अहम खबर आपको दें। जहांगीर तरीन और बीएनपी मेंगल के वफूद के दरमियान मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ऑफिस में होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत ने बीएनपी मेंगल से लापता अफराद कमीशन में मेंबर के लिए नाम मांग लिया है। ज़राए ने ऐसा बताया है। बीएनपी मेंगल वफद की लापता अफराद कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात भी करा दी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर बताइए मुलाकात का अहवाल। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में ये मुलाकात हुई थी जहांगीर तरीन और बीएनपी मेंगल के वफूद के दरमियान, जिसमें अहम पेशरफ हुई है और हुकूमती ज़राए का यह दावा है कि नाराज़ इत्तेहादी जमात बीएनपी मेंगल के तहफ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं और छह में से चार मुतालबात पर इत्तेफाक तय पा गया है। हुकूमत ने बीएनपी मेंगल से लापता अफराद कमीशन में मेंबर के लिए नाम भी मांग लिया है और बीएनपी मेंगल से ये कहा गया है कि अगर वो चाहे तो अपना मेंबर नामजद कर सकती है लापता अफराद के कमीशन के तौर पर। साथ ही लापता अफराद के कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनसे भी बीएनपी मेंगल के वफ की मुलाकात करवा दी गई है और तमाम मामला तय कर लिए गए हैं। जो भी मेंबर नामजद किया जाएगा अब वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेगा और लापता अफराद के हवाले से जो तफसीलात हैं और मालूमात हैं वो इकट्ठी की जा सकेंगी। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के मसले के हवाले से भी अहम पेशरफ्त हुई है। दो ग्रेड स्टेशन बनाने की यकीन दहानी कराई गई है और सरकारी मुलाजमतों का कोटा बढ़ाने का भी फैसला कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आपने आगाह किया।